मेरा संदीप की अंगूठी है वो लोग लेके आएंगे, हम क्या पहनाएंगे अब यार। एक बार पापा की अलमारी में ढूंढो। हाँ, अंगूठी खो गई सोने की। हट। हाँ, जैसे मैं वहां मार्केट से लेकर आई, मैंने वो डब्बा आपको दे रखा था सामान लेके लिए। सच में अंगूठी खो गई यार कामनी। हेलो दोस्तों, काफी टाइम बाद मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा स्पेशल दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये क्यों उछल रही है? अच्छा इसको छोड़ो गाइज, मैं पहले नहा के आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या है। आज नहीं लेगी, चुप रह। देखो मेरी बहन यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, और मैक्स आप क्या कर रहे हो? काम घटाने के बजाय बढ़ा रहे हो। चलो सलाद काटो। क्या कर रहे हो? अरे गुलाब जल ढूंढ रही। अरे मम्मी गुलाब जल तो ठीक है, संदीप की अंगूठी कहाँ है जो बनाई थी रिंग वाली? क्यों, तेरे पास ही तो थी, तूने ही तो रखी थी। मैंने कहाँ रखी थी मम्मी? मेरे पास नहीं, मैंने आपको दे रखी थी उस दिन संभालने के लिए, जैसे मैं वहाँ मार्केट से लेकर आई, मैंने वो डब्बा आपको दे रखा था संभालने के लिए। अरे तूने मेरे को नहीं दी ना, खुद ही रखी थी तूने। मैं इसे अलमारी में रखी होगी, कहीं रखी होगी, ढूंढ दो ना। मम्मी मैंने नहीं रख रखी, खुद मेरे पास होती तो मैं बताती, अभी थोड़ी देर में एंगेजमेंट है और तुम लोगों के पास अंगूठी ही नहीं है। क्यों, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है? मेरा संदीप की अंगूठी है वो लोग लेके आएंगे, हम क्या पहनाएंगे अब यार। एक बार पापा की अलमारी में ढूंढो। हाँ ढूंढ दो, तुम नहीं संभालोगे मम्मी, तुम मैंने उस दिन तुम्ही को दी थी। संदीप की अंगूठी खो गई और थोड़ी देर में मेहमान लोग आने वाले हैं। तुमने छुपाई है? यार ये मजाक का टाइम नहीं है काम, नहीं ढूंढ क्यों नहीं रही, बैठ रखी यहाँ पे, ढूंढ क्यों नहीं रही है? तू भी बड़ी महान है। अच्छा, अरे यार ये कोई ढूंढने की जगह है क्या? तो कहीं तो रख सकते हैं। अरे यार गोल्ड की अंगूठी यहाँ थोड़ी ना रखेंगे, तो भी मान है। सच में बेवकूफियत की हद हो गई है। एक तो ढूंढ रही यार, ऊपर से मेरे को बोल रही है। अरे नहीं ढूंढूंगी, ये कोई कपड़ों के पीछे सोने की अंगूठी कौन रखेगा? मान है मम्मी, कपड़ों के भी सोने की अंगूठी ढूंढ रही है। अरे ऐसी है मेघा, ये या तो इसने रखी या तूने रखी, मेरे पर मत कहो तुम लोग। मम्मी यहाँ रहता है कौन है? दादी, अंगूठी खो गई सोने की। हट। हाँ ऐसा मत कहना। दादी सच में खो गई है। सच कह रही है? हाँ। दूसरी बता रही है। कोई मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने व्लॉग बना रही हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी ना मैं झूठ बोलूंगी। सच कह रही हूँ। हाँ यही है क्या? ये है क्या? यही तो है, ये कोई रखने की जगह है? रे इसको तो संभाल के रखते है, इतनी अकल नहीं है। देखो कहाँ, मैं क्यों फ्रिज में, मैं तो किचन में आती नहीं हूँ। फ्रिज के ऊपर रखी है मेघा, इन चीजों को संभाल के रखते हैं, पता है? मिल गई बढ़िया है, नहीं तो हम क्या करते। अब तुम एक काम करो, इसको अपनी अलमारी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाले खोपचे में डाल दो, ताकि वहाँ पे दिख जाए, हमको टाइम पे दिख जाए। चल ठीक है अब। हाँ हेलमेट ऊपर ही रह गया। तो गाइस इतना सारा काम हो रहा है, और मैं अभी जा रही हूँ अपने नेल एक्सटेंड करवाने, बिकॉज आज मेरी एंगेजमेंट है, और देखो मैंने नेल ही एक्सटेंड नहीं करवा रखे है। आज मैं ड्राइव नहीं कर रही, आज मेरा भाई ड्राइव कर रहा है। अभी आ गई हूँ नेल आर्ट के लिए, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया है, और अभी मैं आई हूँ राहुल देव मेकअप स्टूडियो में। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, इतनी जल्दी जल्दी ये सब कैसे होगा? आजकल जो चल रहा है वो वाला बताओ। वाले ज्यादा करवा रहा हूँ, ये वाले कर दो फिर। ये देखो गाइस, राहुल ने मुझे चुड़ैल बना दिया आज। राहुल किसकी आंखें फोड़ू बताओ? किसकी मर्जी, किसी की नहीं। अब इनकम सेव देंगे। अगर इनको कोई जबरदस्ती निकालने की कोशिश करे तो क्या क्या होगा? नाखून भी निकल सकता है। नाखून भी निकल सकता है? हाँ। ब्लड भी आ सकता है? हाँ। पेन होता है बहुत। घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो गाइस लड़के वालों को आने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो हम लोग अभी पिज्जा खा रहे हैं। इसकी पूरी चीरी चिपक गई है। शादी से पहले काट देना। ये काटूंगी। क्यों दीदी? हक लगे बोलेगी तो मैं नहीं काटूंगी। कह रही थी तो टेंशन हो गई। मैं कह रही शादी से पहले लोग डाइटिंग करते हैं, पर मेरी बहन पिज्जा खाती है। वीडियो बनानी थी इसलिए खा रही हूँ मैं। तो नहीं करनी डाइटिंग शादी से पहले? मुझे क्या है, तुझे तो एप्स नहीं बनानी बिल्कुल भी। नहीं उसको चाहिए नहीं ना, इसलिए तो वो पिज्जा खा के अपनी तौंद बढ़ा रही है, नहीं तो मिलने वाले तो एब्स बनाते हैं। क्यों गाइस? मैं हूँ, उसको कोई परवाह ही नहीं है। लड़के वाले आते होंगे, जल्दी खा। सबके पाँव सुनो,
शाम हो गई है काफी और मैं अभी आई हूँ अपना मेकअप करवाने के लिए। देखती हूँ कैसे लगती हूँ मेकअप के बाद। मैं चाहती हूँ कि मैं सुंदर दिखूँ और ग्लैमरस दिखूँ, बस ऐसा हो कि कोई मुझे पहचानने से इनकार ना कर दे, इतना सुंदर ना बना देना। सब लोग बैंक्वेट हॉल पहुँच गए, मैं ही लेट हूँ। मेरी बहन ने तो मेरी सासू माँ को बिल्कुल पटा रखा है, सेल्फी वेल्फी खींची जा रही है उनके साथ। हाँ तो मैं आई हूँ अपनी कार से और मेरी एंट्री भी कुछ इसी टाइप से रिकॉर्ड की गई है। ओहो, देखने में तो बड़ी क्यूट दिखेगी। अभी संदीप के आने का वेट करते हैं। इससे पहले आप सारे फैमिली मेंबर्स का डांस देखिए। इसमें हमारी चाची जी हैं, हमारे होने वाले पापा हैं, उनके दोस्त हैं, मेरे देवर हैं और पापा के दोस्त उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारा कार के पास बैठ के कुछ फोटोशूट और वीडियो शूट हो रहा है। मेरा प्लान था कि मैं एंट्री वाला डांस करूंगी, बट यहाँ पे संदीप और मैं हैं, तो साथ की एंट्री कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंट्री वाला डांस तो शादी के दिन होगा ही होगा। क्या आप लोग एक्साइटेड हो देखने के लिए? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ डांस करने के लिए, क्योंकि शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है ना, फिर से ऐसा दिन थोड़ी ना आएगा। ये मैं आपको वॉइस ओवर में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं वहाँ पे स्टेज में खड़ी हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि हम लोग सामने से कैसे दिख रहे हैं, कार्टून दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, और वीडियोग्राफर बार बार बोलते स्माइल करो स्माइल करो और जबड़ों में दर्द हो जाता है स्माइल करते करते। तो है फिर मैं थोड़ी देर में चला दूंगी बस तेरे को दोनों पैर फुला के ना वो तो नहीं कहीं बात चलो कोई ना बोल मान ले ना वो कितना कह रहे हो कोई यार को इसको बता दो क्या हुआ चलो उधर को जा देखो फोन करके तो मैं भी जीत जाऊं फिर दे दिया देखो खींचो। उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया और ये दोनों केक बांट रहे हैं और उससे ज्यादा खुशी इनको केक देख के हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे जीजू की डांट पक रही है। डीजे चला गया था पर मैंने छोटे वाले स्पीकर से डांस किया क्योंकि एंगेजमेंट एक ही बार होनी है, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। सब लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, खासकर इन दोनों ने तो। अब सब लोगों को नींद आ रही है और सोने की तैयारी कर रहे हैं, रात के 1 बज चुके हैं और हम लोग भी अब घर जाते हैं। ये देखो हर्षु के पेट का ट्रांजिशन वीडियो, वाह क्या ट्रांजिशन है, एब्स। तो गाइस ये था मेरा एंगेजमेंट का व्लॉग और ये है मेरा हीरो, तो कहाँ था? मेरे भाई का बिल्लू है। और गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो गाइस ये वो साड़ी है जो मुझे पीके में मिली थी, कैसी लग रही है? मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, तो मैंने अभी आपके लिए फिर से पहन रखी है। तो गाइस एंगेजमेंट के व्लॉग में बस इतना ही, अब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट मेरी संगीत का व्लॉग और फिर उसके बाद शादी का व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? और हाँ एक चीज तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई,
ये वो रिंग नहीं है हाँ जो मैंने वहाँ पहनी थी, ये दूसरी रिंग है, ये मेरी खुद की है। वो वाली रिंग मैंने संभाल के रख दी है, वो मैं अभी पहनूंगी क्योंकि मैं अभी फेस वॉश वगैरह करने गई थी। और ये देखो गाइस मैंने नेल एक्सटेंशंस करवाए थे, ये इतने ज्यादा परेशान किए ना मुझे जब तक मेरी एंगेजमेंट थी। फिर मैंने उखाड़ने की कोशिश की, एक तो उखड़ गया और इस वाली फिंगर से भी एक उखड़ गया है। अब बाकी के देखो, एक्चुअली नेल एक्सटेंशन तब तक ही ठीक है जब तक हमारा फोटोशूट और वीडियो बन रहा है, तो इनको मैं उखाड़ के दोबारा से संगीत वाले दिन और शादी वाले दिन दोबारा से लगवाने वाली हूँ। ये है मेरी पायल, हमारे उत्तराखंड में ये हमें टीके के टाइम मिलता है और उस दिन के बाद हमें ये हमेशा पहनना पड़ता है। मिलती हूँ आपसे संगीत और शादी वाले व्लॉग में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सुनना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कॉमेंट्स में भर भर के मेरे लिए कुछ लिखना, आपकी तरफ से वही मेरे लिए गिफ्ट है। बाय बाय।